भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए समूचे जिले में बुडको कार एजेंसी के द्वारा पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन यह पाइपलाइन अभिशाप बन कर रह गया है। कारण बुडको कार एजेंसी के द्वारा कभी सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया जाता है तो कभी बीच सड़क पर पाइप लाकर छोड़ दिया जाता है। ताजा मामला भागलपुर के मोहद्दी नगर मुख्य मार्ग का है। मोहद्दी नगर मुख्य मार्ग पर बुडको के द्वारा पाइप लाकर बीच सड़क पर छोड़ दिया गया, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। पिछले कई दिनों से यहां के स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन बुडको कार एजेंसी के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। स्थानीय सुमन कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले रात में जेसीबी के द्वारा पाइप को लाकर बीचों बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि जब यहां पर सड़क दुर्घटना में मौत की शिकार लोग हो जाएंगे तब यहां से पाइप को हटाया जाएगा क्या। जब इस बाबत भागलपुर के महापौर से टीवी अंग प्रदेश की संवाददाता सुबोध कुमार ने बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर पाइप को हटा दिया जाएगा। स्थानीय पैर इंडिया काम जहां काम करता वहीं पर गड्ढा खान के पाइप बीच रोड पर करके छोड़ के चलाया जाता है। यहां परेशानी बहुत लोगों को हो रही है, आए दिन यहां पे एक्सीडेंट होते रहता है, लोगों को चोट लगती है, गड्ढा हो गया, एक ट्रक बच गया, ट्रक से मकान ध्वस्त हो जाता, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 दिन से यहाँ पर रखा हुआ है और इसको हटाने का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। लोगों को आवाजाही में बहुत ही दिक्कत हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये 15 दिन बीत चुका है, इसको हटाने का जल्दी से जल्दी इसमें व्यवस्था होना चाहिए। ये पाइप आज 10 दिन से बीच रोड पर है, क्या जिला शासन प्रशासन ये चाहती है कि जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो, तब ये हटाई जाएगी? ये बगल में गाड़ी गुजरने से कितने बड़े गड्ढे हो गए। ये पाइप बबरगंज थाना से कुछ दूर पहले 100 मीटर पहले है, बीच रोड पर रखा हुआ है। रात में आए दिन आने जाने वालों को दिक्कत होती है, कल भी रात में एक एक्सीडेंट होते होते रह गया। मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। क्या प्रशासन ये चाहती है कि जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो, जब तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, तब ये हटाया जाएगा? भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कर्मियों की करतूत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक तो वो अंदर ही अंदर कुछ लोग पैसे लेकर अवैध तरीके से डॉक्टर से दिखाने के लिए नंबर लगाने का काम करते हैं और पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर अस्पताल के कर्मी बदसलूकी करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें देख लेने की भी बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूर दूर से आए लोग इस तपती भीषण गर्मी में लाइन में खड़े हैं, जबकि कर्मियों को इससे कोई मतलब नहीं है। मायागंज अस्पताल के इस कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वो पत्रकार से साफ तौर पर वीडियो में बदसलूकी करते दिख रहा है। वो साफ तौर पर कहता दिख रहा है कि ऐसे मोबाइल चमकाने वाले कितने आते हैं और जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफी भीड़ अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि रूम के अंदर से दलाल जाकर चिट्ठा कटा रहे हैं, और जब पत्रकार आम पब्लिक बनकर उनसे बाहर से पर्ची काटने का आग्रह किया तो वो धमकी देते हुए कहता है कि रोजाना ऐसे मोबाइल देखते हैं, यहाँ से निकल जाओ। परेशानी हो रहा है कि एक काउंटर पे के आदमी बैठा हुआ है, दोनों लाइन कट रहा है। हम कहीं कहीं अभी देखे कि दलाल वगैरह भी अंदर से चिट्ठा कटा के जा रहा है, लेकिन आप लोग लाइन में इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? उसके बारे में हम लोग परेशानी ज्यादा हो रही है। इसमें क्या सोचते हैं आप लोग को, क्या सुझाव इसमें देना चाहिए? आप लोग का सहयोग रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसका क्या विरोध होना चाहिए? अंदर से घुस के जो चिट्ठा कटा के जाता है, विरोध होना चाहिए। प्रकाश टोयोटा के भागलपुर ब्रांच के द्वारा टोयोटा के नए गाड़ी टीजर को लॉन्च किया गया। मध्यम वर्ग के परिवार के जरूरत को देखते हुए टोयोटा कंपनी ने 5 सीटर टीजर गाड़ी को लॉन्च किया है। इसकी कीमत बाजार में 7,75,000 रुपए से प्रारंभ होगी। यह गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों वर्जन में उपलब्ध है। गाड़ी की सबसे मुख्य खासियत यह है कि यह गाड़ी आरामदायक तो है ही, साथ ही इस गाड़ी का माइलेज भी शानदार है। यह 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज से सड़क पर फर्राटा भरती है। भागलपुर की अलीगंज स्थित टोयोटा शोरूम में आयोजित टीजर के लॉन्चिंग के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भागलपुर मुख्य ब्रांच के चीफ मैनेजर रविंद्र कुमार वर्मा, भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव, ओम भास्कर, यूको बैंक के अजय मिश्रा, प्रकाश टोयोटा ग्रुप के जनरल मैनेजर सेल्स ब्रजेश कुमार, ट्रेनिंग मैनेजर सुमित किसान, मार्केटिंग मैनेजर रवि रंजन सहित प्रकाश टोयोटा ग्रुप के बड़ी संख्या के कर्मचारी और आमजन मौजूद थे। वहीं टोयोटा कंपनी के द्वारा आम लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए
नई गाड़ी रेंजर का लॉन्च किए जाने से लोग काफी खुश दिखे। अपने परिवार 5 आदमी के साथ किसी भी जगह जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो मिडिल क्लास की होती है वो है माइलेज। तो माइलेज की दृष्टिकोण से ये गाड़ी 22 की माइलेज मिलेगी। साथ ही साथ आपके सेफ्टी फीचर्स को भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, कंफर्टेबल को भी ध्यान रखा गया है और अट्रैक्टिव कलर्स में भी है। तो टोयोटा का हमेशा रहा है कि सबसे बड़ी बात की क्वालिटी हो, क्योंकि टोयोटा जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कार कंपनी है। सो अपने जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक है, उनके लिए ड्यूरेबिलिटी की बात करती है, सर्विसेज की बात करती है, क्वालिटी की बात करती है। ये जो गाड़ी है टोयोटा की, आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि टोयोटा ग्लांजा से ये ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है हाई राइडर से ये नीचे की गाड़ी। तो ये मिड साइज की कार है, लेंथ वाइज भी, विड्थ वाइज भी और प्राइस के हिसाब से भी। तो ये गाड़ी जो है आपके शहर में उपलब्ध होगा, आप जब चाहें ये गाड़ी को खरीद सकते हैं। प्रकाश टोयोटा में ये गाड़ी रेडली अवेलेबल है, साथ ही फाइनेंस की भी फैसिलिटी है, चाहे NBFC बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, 0% डाउन पेमेंट। ये एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप बिना डाउन पेमेंट दिए भी आप गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं विद इन 1 रुपीज़, 1 रुपया दे के भी गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास काफ़ी आकर्षक गिफ्ट हैं, अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग डिस्काउंट्स हैं। सो हम अपने भागलपुर और उसके आसपास के जनता से आग्रह करेंगे कि एक बार प्रकाश टोयोटा में विजिट करें और एक बार गाड़ी को देखें, टेस्ट ड्राइव लें। टेस्ट ड्राइव के लिए सारी मॉडल की गाड़ियां आपके प्रकाश टोयोटा भागलपुर में उपलब्ध है और एक ही छत के नीचे सेल्स भी है, सर्विस भी है और एक्सेसरीज भी है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता चौक पर प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सूचना पर 112 की टीम पहुंची और पीड़ित लड़की को लेकर इंसाफ दिलाने का आश्वासन देकर थाने ले गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बिहारीपुर की रहने वाली लड़की अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसकी माँ बोली, तुम यहाँ से धर्मवीर के यहाँ चली जाओ। पीड़ित लड़की ने बताया कि जब वहाँ से धर्मवीर के यहाँ पहुंची तो उसकी मौसी हमको टोटो पर बैठाकर दूसरे जगह ले जाने लगी और मेरे साथ मारपीट भी की।
इसी बीच में टोटो से कूद गई। धर्मवीर का घर भीमकिता में है। वहीं बताया जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और धर्मवीर शादी का झांसा देकर इसके साथ यौन शोषण करता था। लड़की अपने प्रेमी के घर स्थित भीमकिता चौक पर बैठ गई। लड़की को बैठे देख वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर 112 की टीम पहुंची और उसे समझा बुझा कर थाना लाया। मामले में मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सबदरली ने बताया कि लड़की ने मंगलवार को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने गई थी। शिकायत दर्ज हुआ होगा, मामले में महिला थाने का सहयोग लिया जाएगा। हम आए थे कहीं नहीं। हम मेरी मम्मी ने बोला लड़का के यहाँ जाओ, हम आ गए थे। कौन लड़का? धर्मवीर के यहाँ। तुम उसको पहले से जानती है? हाँ। प्रेम प्रसंग है तुम लोगों का? हाँ। ये अभी क्या कर रही है? अभी हमको टोटो पे बैठा के उधर लेके जा रहा। कौन? उसकी मौसी। किसकी मौसी? धर्मवीर की। क्या कर करने? हमको मारा भी है। धर्मवीर का घर कहाँ है? इधर है, भीम कितना में। उसका पिताजी का नाम बोलो। उसका पिताजी का? राजू यादव। पूर्णिया की रहने वाली 55 वर्षीय अधेड़ महिला अनीता देवी पड़ोसियों से हुए विवाद में घायल हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक महिला अनीता देवी का बस इतना कसूर था कि उसने पड़ोसियों को बांस काटने से मना किया था। इसी बात पर पड़ोसी आग बबूला हो गए और उस महिला को लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में महिला को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतिका अनिता देवी के पुत्र किशोर शाह ने बताया कि राजेंद्र शाह, मनोज शाह, पप्पू शाह व उनके परिवार के लोगों ने मिलकर मेरी मां को मौत के घाट उतारा है। यह कहीं से सही नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मां ने बस बांस काटने से मना किया था, जिसकी सजा इन लोगों ने मेरी मां को मौत के घाट उतार कर दिया। मारपीट हुआ, बांस वाली मारपीट हुआ था, बांस के विषय से जबरदस्ती बांस काटने से आया हुआ था। इसी पे सुनीता देवी रोक लगाया कि वहाँ सभी मत काटो, जो बैठकी दरों अपना बैठकी कर लो। और जबरदस्ती पलान के साथ मेरा मौका था, वो सारे पार्टी यहाँ पहले से लाठी उठी जुटा रखा। जैसे पता लग गया कि हमारे हम सभी रोके कि कम से कम बैठकी दरों जो है ना समझौता कर लीजिए, बार सदस्यों सरपंच को मंगा के। तो कहा कि नहीं, पहले आप तो आप पहले मार करो। जो मेरा मामा था पहले भी उसको वो समझो पहले और उसका राय बनाया हुआ था कि मार करना ही करना है। सबसे पहले भी मैं भी रोका रोक रहा था, तो सवरे आप जरा मौसा था मेरा आगे, वो आगे चला गया दूसरी टीम में लाठी ले। उस वक्त भी कोई नहीं हाथ, वही हाथ पड़ा वही पाठ। विवाद क्या था मार करने का? डिमांड वही था कि बांस रोकने का डिमांड था कि बांस कर नहीं देंगे काटने के लिए। सुनीता देवी का बांस है तो बांस कैसे काटेगा? यही रोक रोक के वजह से वो मार दिया। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के कुश्ती विधा के एक बालक व दो बालिका का चयन खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र पटना में हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए कुश्ती प्रशिक्षक वीर अभिमन्यु ने कहा कि 15 दिवसीय शिविर का आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हुआ था, जिसमें चयनित बच्चों को 15 दिनों तक अलग अलग गतिविधियों द्वारा उन्हें जांचा गया और जिन्होंने इस शिविर में अच्छा प्रदर्शन किया उनका चयन खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र पटना में हुआ है, जहां उन्हें 4 वर्ष तक निःशुल्क कुश्ती का प्रशिक्षण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिया जाएगा। इस शिविर में किलकारी भागलपुर के कुश्ती विधा के बच्चों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया और एक बालक व दो बालिका का चयन हुआ है। चयनित होने वाले बच्चों में 40 किलो वर्ग भार में अंकित कुमार, वहीं 42 किलो वर्ग भार में रूपा कुमारी, जबकि 50 किलो वर्ग भार में मीनाक्षी कुमारी है। वहीं प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक रूपा कुमारी ने कहा कि सभी चयनित बच्चों को बधाई, उनकी कड़ी मेहनत सफल हुई। वहीं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी साहिल राज ने चयनित होने वाले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अभी हाल ही में सरकार का योजना था कि मतलब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं ढंग से कर पाते हैं उनको सरकार करने की सुविधा दे रही है। पटना कॉम्प्लेक्स कंकरबाग वहाँ आवासीय हॉस्टल मतलब योजना है, वहीं हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। अब वहाँ से टारगेट है इंटरनेशनल तक का सिलेक्शन। वहाँ ट्रायल था, पहले 500 बच्चे आए थे कुल ट्रायल देने के लिए। अभी 50 बच्चे का कैंप किया गया, फिर उस 50 बच्चे में 30 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। ये कुश्ती विधा से बच्चे हैं और इनका चयन अभी बिहार सरकार की एक योजना है कि आवासीय ट्रेनिंग देते हैं। जैसे साई सेंटर है, इससे पहले यहाँ की एक बच्ची का साई सेंटर में भी चयन हुआ था,
जिस जहाँ से साक्षी मलिक, जहाँ से उन लोगों ने ट्रेनिंग लेके ओलंपिक तक का सफ़र तय किया, उसी तरह ये बच्चे भागलपुर जैसे शहर से निकल के और अब वहाँ सरकार के सारी सुविधाओं से लैस ट्रेनिंग सेंटर पे एक अच्छे कोच के नेतृत्व में ये लोग ट्रेनिंग लेंगे और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर बिसरी स्थान में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में कथावाचक टाटा जमशेदपुर से आचार्य श्री पराशर जी महाराज भागलपुर पहुंच चुके हैं। वहीं आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में शहर वासियों की काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। हम लोग यह कार्यक्रम अपने माता पिता व समाज में खुशी लाने के लिए करा रहे हैं। बिसरी स्थान मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा 11 तारीख से 17 तारीख तक का किया जा रहा है आयोजन और 18 तारीख को भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। 18 तारीख को दिन मंगलवार और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो रहा है। इसमें आप लोग आवे, आप प्रसाद ग्रहण करके आप लोग यहाँ से हो सकते हैं। आप बाबा जी संगीत में भागवत कथा कहाँ से बाबा आए हुए हैं? ये बाबा टाटा से जमशेदपुर से आए हुए हैं। ये बाबा जो है, क्या नाम है बाबा का? बाबा का नाम पराशर जी महाराज है और ये संगीत संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, हिंदी में समझाएंगे और संगीत में भी करेंगे।